वालेकुम टॉप पाकिस्तानी ड्रामा चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की ज़बरदस्ती आने वाली अक्साथ की नई प्रोमो के साथ हम हाज़िर हैं। आपको बताते चले कि शमशेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल की नई प्रोमो नशर कर दी गई हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि शमशेर वो घर छोड़कर आ गया है, लेकिन उसका भाई उसके पीछे आता है। शमशेर महक को लेकर घर चलो, लेकिन शमशेर साफ इनकार कर देता है, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। तो इस बात के जवाब में उसका भाई कहता है कि मैं बाबा साहब से बात कर लूँगा, लेकिन शमशेर ने भी अपने भाई को इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे इतने धोखे में रखा गया, मेरे साथ इतने बड़े धोखे किए गए। आपको बताते चले कि यहां पर शमशेर महक को बाइक पे बिठाकर उसका हाथ पकड़ के खुद को थामने के बाद वो उसे लेकर आ रहा है उसके मायके। पहली बार शमशेर बखुशी महक को उसके अम्मी अब्बू के पास लेकर आ रहा है, लेकिन अब तो बहुत कुछ ही बदल गया है। यहाँ पर शमशेर महक के अम्मी अब्बू के सामने हाथ कर उनसे माफ़ी मांग लेता है, मुझे माफ़ कर दे, पैसे के दौलत के गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं दौलत के नशे में अंधा हो चुका था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं महक के साथ और आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तब ये बात सुनकर महक के अब्बू कहते हैं कि हम तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकते और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें कोई सज़ा ना दी जाए। ये बात सुनकर शमशेर खामोश हो जाता है, वो जानता है कि महक भी कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर शमशेर बाहर खड़ा महक का इंतज़ार कर रहा होता है। इसी वक्त महक का कज़न वहाँ पर आ जाता है। शमशेर को यूं बाइक के साथ खड़ा देखकर हैरान रह गया है। अरे मैं तो हैरान रह गया हूँ, ना कोई गार्ड, ना कोई बड़ी गाड़ी, और बाइक ये कैसे? क्या सारी दौलत का नशा उतर गया है, सारा गुरूर मिलिया मेट हो चुका है? और फिर जब महक बाहर आती हैं शमशेर के साथ बैठती हैं और फिर शमशेर बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। आपको बताते चले कि महक भी खामोश है, वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही, लेकिन शमशेर ने भी बात करने का फ़ैसला कर लिया है। वो महक के सामने आता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है महक जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, तुम साथ जाओगी तो भी मुझे मंजूर होगा, नहीं जाओगी तो भी मुझे तुम्हारा फ़ैसला मंजूर होगा। तो आप क्या कहते हैं, क्या महक शमशेर के साथ जाएगी? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।